नहीं नहीं हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो एक छोटी सी राइड पे जा रहे हैं दोस्तों के साथ, दोस्त नहीं है सिर्फ उसके साथ जा रहा हूँ अभी, बाकी सब बिजी हैं। तो ये रहा इसका कोल्ड स्टार्ट। तो हम जा रहे हैं सुंदरनगर की तरफ, फोर लेन की तरफ, फिर आगे देखते हैं क्या प्लान बनता है। चलो निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं GS मोटो की तरफ। मौसम बहुत अच्छा है आज, कल बारिश हुई है, थोड़ी सी बादल थे, तो आज मौसम साफ है लेकिन बादल है। बहुत ही लाउड साउंड है यार इसकी, दीवी कलर भी। पहुंच रहे हैं GS मोटो। निंजा कैसी लगी? ठीक है। तो गगन भाई आगे आगे ड्यूक पे चले हैं, ड्यूक 390 पे ओल्ड मॉडल, और हम निकल रहे हैं अभी आगे। तो श्रद्धालु जो मणिकरण जा रहे हैं, बहुत ही भीड़ है यहाँ पे, देख सकते हैं आप। गगन बहुत ही अच्छा राइडर है, काफी एक्सपीरियंस है राइडिंग का, काफी टैलेंट है भाई के पास। एडिटिंग बहुत ही अच्छी करते हैं, वीडियो बहुत अच्छे बनाते हैं। और ये गगन भाई, फ्यूल है MT की तरफ जा रहा है। चलो फ्यूल निकला लेते हैं। थोड़ी सी दबी दबी है आवाज़ है डीवी किलर के साथ, आगे देखता हूँ मैं, तो उसको रिमूव कर देंगे। और ये जो चौराहा आप देख रहे हैं बहुत ही खतरनाक है, यहाँ पे डेली कोई ना कोई एक्सीडेंट होता ही रहता है। लोग इधर उधर हर जगह से चले हुए हैं और गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। तो थोड़ा सा रुके हैं यहाँ पे, चाय वगैरह पी लेते हैं। और दो लड़के हैं सुंदरनगर से, वो काफ़ी दिनों से मिलना चाहते थे, तो अभी उनसे भी मिल लेते हैं, थोड़ी देर में पहुँचते ही होंगे। वही भाई मिलने आए थे हमारे से सुंदरनगर से। हाँ भाई, क्या नाम है आपका? अच्छा, कहाँ से हो आप? अच्छा, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं अभी मिलने के लिए आ रहा था लेकिन टाइम नहीं लग रहा था ना। और आपका क्या नाम भाई? पीयूष। आप भी सुंदरनगर से ही हो? चलो अच्छा है, थैंक यू सो मच भाई, जितना वेट किया मान लिया। कोई नहीं, ओके। तो ये हमसे मिलने आया था, यही आसपास के गांव के रहने वाले हैं। तो भाई ने आवाज़ सुनी होगी, आवाज़ बाइक की, और आए थे देखने के लिए। ठीक है फिर, ओके। रहा बिलासपुर का नज़ारा, तो हम बिलासपुर तक आ गए थे मैं, और भाग रहे हैं अशु भाई, सॉरी गगन भाई, अशु भाई की याद आ रही है। और ये अपने पंजाबी भाई चले हुए मंदिर में,
गगन भाई जाते हुए, बढ़िया बाइक चलाते हैं गगन भाई भी। गगन भाई लीन करते हुए, तो कैसे हैं आप लोग। तो ये रही हमारी नई सिक्सआर 2024 मॉडल। बहुत लोगों का मेरे को क्वेश्चन आए थे कि आपने 650 पहले बेची है होंडा की CBR, उसके बाद आपने 600 सीसी की बाइक के लिए है। मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, लेकिन आप सीसी में मत जाओ। दूसरी बात, इसमें है 636 सीसी का इंजन, लेकिन वो प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट विद एग्जॉस्ट अराउंड 130 PS। वो पावरफुल बाइक है दोस्तों, जो कि हमारी 650R थी वो एक टू स्पोर्ट बाइक थी। ये जो है ये हमारी सुपर स्पोर्ट कैटेगरी में आती है। इसका स्टांस, बैठने का तरीका सब कुछ डिफरेंट है। इसमें एक क्विक शिफ्टर भी दिया गया है, जो लेकिन अप शिफ्ट है, ओनली अप शिफ्ट है, ऑटो ब्लिपर इसमें नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखें। एक महीने का जो रिव्यू मैं इसको चला के बता सकता हूँ आपको, बहुत ही प्यारी बाइक है। इसको चलाने का बहुत मज़ा आता है, और ख़ासकर पहाड़ों में जो आप मैक्सिमम यूज़ कर सकते हो एक एक PHP का। तो डॉक्टर साहब, ऐसे तो एक क्वेश्चन है। हाँ जी। मतलब मेरा तो नहीं है, मतलब मैं इसी फील्ड से थोड़ा हूँ, तो वैसे लोग पूछते हैं कि सुपर बाइक है, जिस तरीके से आप ले लो इसको, तो माइलेज क्या देती है। वैसे बहुत से लोगों का क्वेश्चन रहता ही रहता है, इंडिया है तो मतलब रहता ही रहता है। देखो दोस्तों, माइलेज के ऊपर एक स्पेशल वीडियो आने वाला है, लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ। सुपर स्पोर्ट्स लेना आसान है, लेकिन इनको मेंटेन करना वो मुश्किल है। दूसरी बात रही फ्यूल एफिशिएंसी की, तो फ्यूल एफिशिएंसी इसकी जो मेरे को दे रही है 14-15 के आसपास दे रही है, अगर मैं फुल ऑन चलता हूँ। सबसे हार्ड है पेट्रोल ढूंढना। हाँ, तो अब ये सबका क्वेश्चन अपने हिसाब से पूछा गया होता है। जिन्होंने कम्यूटर लेनी है, डेली राइड के लिए लेनी है, उनको चाहिए जो फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी देती हो। लेकिन दोस्तों, आप इस पे डेली कम्यूट नहीं कर सकते। इसको आप सिर्फ एक हफ्ते में एक बार या महीने में एक दो बार राइड करने के लिए यूज़ करते हो। दैट्स इट। फिर भी कुछ आइडिया दे सकते हो कितनी दे रही है अभी एवरेज? अभी 15 के आसपास की माइलेज दे रही है। 15 तो बहुत है इसके 90 के मुकाबले में, 15 बहुत है। फिर भी 390, वैसे जो नई वाली 390 थी, मैं उसको बताऊं, वो ज्यादा माइलेज देती है, 22 और 28 के बीच में। हाँ। अब थोड़ा एग्जॉस्ट नोट हो जाए। हाँ, इसकी कर लेते थोड़ा अभी सुनाते हैं आपको। तो इसमें जो एग्जॉस्ट हमने लगवाया है वो SC Project SC1, तो काफ़ी लाउड एग्जॉस्ट है ये। मासूम भाई ने दिल्ली से, मोटो किंग से हमने लिया हुआ है, तो आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं, बहुत ही लाउड आवाज़ है इसकी। और ये मेरे आइडिया से वन एंड ओनली हिमाचल में होगी अभी के लिए। ZS6R हिमाचल में बहुत
कम है सुपर बाइक्स, और ये अभी हमारे पास इकलौती है। यहाँ पे साउंड सुनिए आप। अभी निकल रहे हैं वापस घर की तरफ।